नमस्कार सत्यकाल सलाम दोस्तों, मैं आपका प्रिंस हाजिर हूँ लेकर हमारा एक नया एपिसोड जो है अबाउट IC-38 एग्जाम सेकंड चैप्टर। और इसका आज का टॉपिक जो है वो है कस्टमर सर्विस। सो अगर हम किसी भी बिजनेस में बात करें तो कस्टमर सर्विस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी बिजनेस। तो सेम अगर हम IC-38 के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो इट्स ए बेसिकली इंश्योरेंस बिजनेस, और इंश्योरेंस बिजनेस में कस्टमर सर्विस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ये हमारा IC-38 का Lesson-2 में आज का ये टॉपिक है। सो जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये बेसिकली एक मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाला बिजनेस है। अगर इसमें अगर हम बात करें बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ना तो देखा जा सकता है ना टच किया जा सकता है, बस फील किया जाता है। और ऐसे प्रोडक्ट में सर्विस सबसे महत्वपूर्ण चीज रहती है। रीजन बीइंग, अगर हम कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसका हम फायदा ऑन द स्पॉट ले सकते हैं, वो फील करने में अच्छा रहता है और एज इट इज फायदा भी देता है। बट हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं दैट इज अनटैंगिबल, जो ना टच किया सा ना सिर्फ फील किया जा सकता है, राइट। अगर हम इससे बात करें, सर्विस क्वालिटी इस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हम बात करें इंश्योरेंस की लैंग्वेज में तो एक हमने फुल फॉर्म बनाई है रेटर, RATER रेटर। बेसिकली ये क्या है, ये एक इंश्योरेंस के इस सर्विस के लिए सबसे बड़ा पार्ट है, जिसमें सबसे पहले वर्ड है आर, आर फॉर रिलायबिलिटी। बेसिकली रिलायबिलिटी इज इट्स बेसिकली फॉर एजेंट, एजेंसी होल्डर, जो बंदा लाइसेंस ले लेता है वो अपनी अपने प्रोडक्ट को कैसे पेश करता है। एबिलिटी टू परफॉर्म, बेसिकली इट्स मींस कि एबिलिटी टू परफॉर्म, कैसे वो सब कुछ अपने क्लाइंट को समझाता है, कैसे वो सब कुछ कर पाता है। इसके बाद अगर ए की बात करें तो एश्योरेंस, रेटर में आर के मतलब रिलायबिलिटी, ए का मतलब एश्योरेंस। एश्योरेंस मीन्स कि हमने कस्टमर को अश्योरेंस देना है अबाउट अवर प्रोडक्ट, हमें कितनी नॉलेज है सो दैट कि उसको हम डिसीजन लेने में हेल्प कर सके, ये प्रोडक्ट विल बी हेल्पफुल यू फॉर इन फ्यूचर, दिस विल बी हेल्पफुल यू फॉर योर चिल्ड्रन इन फ्यूचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमने अश्योरिटी देनी है फॉर दैट, राइट। इसके बाद अगर टी की बात करें, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, टैंगिबल, इट्स टैंगिबल मीन्स कि हाउ मतलब क्लाइंट के लिए बात करें तो हम कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, राइट, हाउ टू प्रेजेंट अवर प्रोडक्ट कस्टमर को, हम किस तरह से ये मतलब जो प्रोडक्ट फील किया जा सकता है, बेनिफिट बताए जा सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक कि हम कोई चीज खरीद रहे हैं उसको खा लिया, इट्स नॉट लाइक दिस, उसके लिए हमने कुछ पे कर दिया, ये हमने पे कर दिया बट हमें पता है इसका बेनिफिट तब मिलेगा जब हमारी डेथ होगी। लाइफ इंश्योरेंस में बात करें, अगर जनरल इंश्योरेंस में बात करें, अगर गाड़ी का ले रहे हैं तो नुकसान होगा तो अदरवाइज पैसे इज वेस्ट सेम। सो दैट्स व्हाई ये प्रोडक्ट जो है ना सिर्फ विश्वास के बलबूते पे चलता है, रिलायबिलिटी पे। ई फॉर एम्पथी, ये बेसिकली है कि हमारा कैसा एटीट्यूड है टुवर्ड्स अवर कस्टमर, ये हमारा जो मतलब हम बिजनेस कर रहे हैं एजेंट की आने वाला फ्यूचर डिसाइड करता है, कैसा अपना एटीट्यूड है टुवर्ड्स अवर कस्टमर्स, टुवर्ड्स अवर मतलब कैसी अपनी सर्विस है, ठीक है। अगर हमारा केयरिंग एटीट्यूड है तो हम फ्यूचर में सक्सेसफुल रहेंगे, केयरिंग एटीट्यूड मतलब सो दैट कि हर बात को उसको केयरिंग करें तो अपना बिजनेस भी चलता रहेगा। प्रेफरेंस हम कैसे दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है बेसिकली एम्पैथी पे। आर फॉर रिस्पॉन्स, ऑब्वियसली हम कैसे हमारे क्लाइंट सर्विस पे हम कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कैसा हम सब कुछ मतलब कहने का कि अपने क्लाइंट की सर्विस में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अगर वो कोई चीज मांग रहा है क्या हम उसे प्रोवाइड करवा रहे हैं। लाइक बेसिकली क्या है कि ये इंश्योरेंस जो बिजनेस है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सर्विस देने का बिजनेस, जिसमें हमें कुछ अच्छा इंसेंटिव आ जाता है। बेसिकली इट्स ए व्हाट वी कॉल के एक कॉन्फिडेंस है जो कि हमें मतलब
अबाउट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, राइट right? ये है अपना लेटर RATER, जिसके बिहाफ पे हम इस अपनी सर्विस क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, राइट right? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. नाउ व्हाट इट डज इट मींस कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू को हम कैसे यूज कर सकते हैं. इट्स बेसिकली सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ कस्टमर, राइट, सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ कस्टमर. अगर हम किसी चीज में कस्टमर को उसका बेनिफिट दिखा रहे हैं तो दैट मीन्स के हम अपने काम में सक्सेसफुल हो चुके हैं. हमें बस बेसिकली उसका आने वाले टाइम में बेनिफिट बताना है. आज ये थोड़ी सेविंग करेगा उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट, हर तरीके से उसे भर देना बेनिफिट से. दिस विल हेल्प अस. कस्टमर का बेनिफिट दे रहे हैं, अपना बेनिफिट तो अपने आप होगा. अपना बेनिफिट कैसे होगा, देर आर थ्री टाइप ऑफ वैल्यूज जो हम मानते हैं. सबसे पहली वैल्यू है हिस्टोरिकल वैल्यू. हिस्टोरिकल वैल्यू मीन्स के अपना कस्टमर के साथ कैसा बिहेवियर चल रहा है जो अपने साथ पहले जुड़ा हुआ है, थोड़े टाइम पहले, राइट right? उसको अगर हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर हम उसे सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, उसकी रिसीट टाइम पे दे रहे हैं, उसका प्रीमियम टाइम पे जमा करवा रहे हैं, तो ही विल बी सेटिस्फाई विद अस. अगर वो सेटिस्फाई है, इसका बेनिफिट हमें प्रेजेंट में मिलेगा, बिकॉज उसकी फैमिली एक्सटेंड होनी है, बिकॉज उसके बच्चे होने हैं, बच्चों की शादी होनी है, ये सब अपने पास रहेगा अगर वो अपनी सर्विस से सेटिस्फाई है तो. उसके बाद अगर हम बात कर लें, दूसरा जो वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू है. प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली ये फ्यूचर ऑफ कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म डिपेंड अपॉन अवर सर्विस. अगर हम ऐसा कि मैं बता रहा हूं कि प्रेजेंट वैल्यू जो है बेसिकली हमारे हिस्टोरिकल जो अपने एक्शन हो चुके हैं उस पे डिपेंडेंट रहता है. ये हमारे रिलेशन मेंटेनेंस पे डिपेंड रहता है. अगर अपने रिलेशन अच्छे चल रहे हैं क्लाइंट के साथ, तो वो अपने सभी दोस्तों के, इवन फैमिली के सभी मेंबर्स की हमारे साथ ही डील करेगा. तीसरी वैल्यू जो है वो है पोटेंशियल वैल्यू. ठीक है, ये वही बात जो मैंने आपको अभी बताई प्रेजेंट वैल्यू के बंद में ही आ गई थी. पोटेंशियल वैल्यू की अगर हम सर्विस अच्छी दे रहे हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि उसकी फैमिली में और मेंबर है जिसका पोटेंशियल है और इंश्योरेंस निकालने का. ठीक है, इससे अपने को ये पूरा बेनिफिट मिल सकता है. ठीक है, अगर हम आगे बात करें कि एजेंट के रोल में सर्विस का क्या पार्ट है, तो एजेंट की लाइफ में फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे सर्विस देना तो स्टार्ट हो ही जाता है. जैसे कि जब सबसे पहले जब वो अपने क्लाइंट से मिला, उसके बाद उसको उसने पिच किया, मनाया, ही रेडी हो गया, सबसे पहले उसने फॉर्म फिलिंग में उसकी हेल्प की, फिर प्रपोजल फॉर्म फिल किया तो डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प की, फिर उसको सब कुछ बताया, उसके फैमिली के गोल्स के बारे में बताया, तभी तो वो अपना इंश्योरेंस या अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने साथ तैयार हो गया, है ना. सो सर्विस इज स्टार्टेड फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे. ठीक है, अगर हमने सर्विस थोड़ी खराब कर दी या हमें लगा कि अच्छा बट हम थोड़ा इग्नोर कर गए, तो इट हर्ट्स कस्टमर्स ईगो. और इससे क्या होता है कि वो एक बार तो अपने साथ मान गया, आगे फिर अपने साथ काम करे या ना करे, इट्स डिपेंड अपॉन हिम, राइट. सो कस्टमर सर्विस इज मस्ट. ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, देर आर सम नॉर्मल इश्यूज अगर हम कस्टमर सर्विस में डील कर रहे हैं, जैसे कि अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छा होना चाहिए. ठीक है, सो हम हर प्रोडक्ट को अच्छे से प्रोवाइड करवा पाए, अच्छे से बता पाए. ठीक है, हर चीज में अपने को मतलब एथिकल बिहेवियर चाहिए, सो दैट कि अपना अच्छे से उसको अपने आइडिया हो जाए. और अगर हम बात करें कुछ वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अपनी पकड़ होनी चाहिए, हम जो कह रहे हैं उसे विश्वास हो. ठीक है, इस तरह से अपन सबसे अच्छे काम कर सकते हैं. आई होप आपको हमारा ये मतलब टॉपिक में थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी. इट विल हेल्प यू टू नॉट ओनली पासिंग द एग्जाम ऑफ IC-38, आल्सो इन फ्यूचर फॉर योर एनी बिजनेस. अगर आप इंश्योरेंस में बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो, लाइक
बिकॉज ये बिजनेस जो पेपर का बिजनेस है, हमने पेपर पे लिख के दे दिया, दैट्स इट, उस पे लोग विश्वास करते हैं, ठीक है। सो ये हर जगह आपके काम आएगी, कस्टमर सर्विसेज मस्त इन एनी बिजनेस। सो आई होप आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब मैं आपका प्रिंस आपसे विदा लेता हूँ।